हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। जलगांव में बढ़ते हुए क्राइम रेट को देखते हुए आखिरकार नासिक परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जीबी शेखर को जलगांव का दौरा करना पड़ा है। जीबी शेखर इससे पहले भी जलगांव आ चुके हैं, लेकिन गणपति के त्योहार के मद्देनजर जलगांव शहर में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग और नागरिकों से बातचीत करना उन्होंने जरूरी समझा, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए दौरे पर पुलिस महानिरीक्षक जलगांव आ गए थे एवं यहां आकर समूचे जिले का दौरा तो किया ही, साथ ही साथ ऐसी जगहों का भी दौरा किया जो इलाके संवेदनशील हैं एवं वहां के लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें कानून का साथ देने और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जलगांव जिल्ह्याचं एक अंदर आढावा घेतला आणि गणेश मंडळ त्याचबरोबर शांत कमिटीचे मेंबर्स त्यांची पण आम्ही मीटिंग घेतली। विशेष करून कुठल्याही तक्रारी किंवा त्यांच्या गारणी नाही आहेत, सगळ्यांचं म्हणणं आहे की शांततेत होईल, परंतु तरी सुद्धा आम्हाला फार महत्वाच्या दृष्टिकोनातून पोलिसांनी बंदोबस्त आमचा स्ट्रॉंग ठेवलेला आहे, कुठलाही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची खबरदारी घेतलेली आहे आणि जे उपद्रवी लोक आहेत त्यांच्यावरती अतिशय कठोरपणे प्रतिबंधात्मक कारवाई पण करण्यात आलेली आहे। यूं तो जलगांव पुलिस काफी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन इन कुछ महीनों में जलगांव में बढ़ते हुए अपराध कहीं न कहीं जलगांव पुलिस की छवि को बिगाड़ ही रहे हैं। हालांकि गैर कानूनी कारोबार लगभग बंद है, क्योंकि एसडीपीओ कुमार चिंता किसी से मैनेज नहीं हो रहे हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो दो नंबर का कारोबार किया करते थे। साथ ही कुछ पुलिस वालों के मुंह से भी यही बातें सुनने के लिए मिली है और धंधा मंदा है। पुलिस महानिरीक्षक के आगमन के पश्चात आशा है कि जलगांव पुलिस और भी ज्यादा कमर कस के जलगांव की कानून व्यवस्थाओं को बनाने और बढ़ाने का प्रयास करेगी। जलगांव से जक्की अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।